हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरा नाम है दीपराज चंद्राकर और मेरा 10 सालों से ज्यादा का अनुभव रहा है गेट और ईएससी फील्ड में पढ़ाने का, गाइड करने का, मेंटोर करने का। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि अन अकेडमी का जो रिजल्ट मैं शो कर रहा हूँ, गेट 2024 का है। ये 7 रैंकर्स हमारे सिक्योर किए हैं AIR 1 फर्स्ट रैंक, 7 जनों का है, ठीक है ना, गेट 2024 में। और पिछली बार भी ये बात मैं कह रहा था, इस बार भी ये बात कह रहा हूँ। जब 2023 की बातें कर 2023 में जब हम बातें कर रहे थे, तो उस समय मैंने कहा था हमेशा कि रिजल्ट जो रहेगा 2023 से बेहतर आएगा 2024 में, जो कि आपके सामने दिख ही रहा है स्क्रीन में। और इस बार फिर से मैं ये बात कहने जा रहा हूँ कि 2025 में जो रिजल्ट हमारा आएगा अन अकेडमी का इन द गेट कैटेगरी, तो आपको और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा जो इस बार है। क्योंकि जिस तरीके से कंसिस्टेंसी रहा है, जिस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि वो रिजल्ट साल दर साल बेहतर होते जा रहा है। और 2025 का तो मुझे लगता है यस, रिजल्ट और बेहतर आने वाला है 2024 से। और उस रिजल्ट का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल अभी आपके पास एक ऑफर है दोस्तों। फ्लैट 50% ऑफ गेट सब्सक्रिप्शन में चल रहा है। गेट 2025 का जो प्रिपरेशन है वो आप 11,999 रुपए में बस कर सकते हैं। ये जो ऑफर है ये वैलिड है 15 जून तक। ये जो ऑफर है ये वैलिड है 15 जून तक। एंड माय डियर फ्रेंड, देखिए ये जो ऑफर है इसको ग्रैब करने के लिए आपको क्या करना है, या अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है। अगर आपके पास अन अकेडमी का ऐप नहीं है, तो प्ले स्टोर में जाइए, अन अकेडमी टाइप कीजिए, एक ऐप आ जाएगा अन अकेडमी का, वो डाउनलोड कर लीजिए। आप एग्जाम, कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, जैसे कि मैं मान के चल रहा हूं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। अगर कोई बच्चा किसी और एग्जाम का भी सोच रहा है, तो बिल्कुल बहुत सारे कैटेगरी में हम एग्जाम का प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आपके पास ऐप तो होना ही चाहिए अन अकेडमी का। अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद, ऑब्वियसली आप अपना फोन नंबर डालेंगे, एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा कि किस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कौन सा आपका ब्रांच है, तो वहां पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको दो तरीके के सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में ये होता है कि आपकी लाइव क्लासेस होती है टॉप एजुकेटर के द्वारा, जो कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है, इनके द्वारा आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी। किसी कारणवश अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे। इसके अलावा आपको पुराने लेक्चर्स जो ऑलरेडी हो रखे हैं, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पे देखने को मिलेगा। साथ के साथ आप डाउट पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास, अगर लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तो। ये डिजिटल नोट्स मिलता है, तो आपका अन अकेडमी के ऐप पे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाता है प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। अब इसके अलावा दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिल रहा है, वो सेम चीज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है, प्लस कुछ चीजें और। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलता है आइकॉनिक में। आपको हार्ड कॉपी दिया जाता है किताबों का, जो कि होम डिलीवर किया जाता है विद इन 15 डेज, आपके घर पहुंचाया जाता है। इसके अलावा कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग का ऑप्शन होता है। तो बिल्कुल दो तरीके के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप किस में फिट बैठ रहे हो। जैसे कि मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसी फीलिंग है कि सर आप मुझे जस्ट क्लास के दौरान भी गाइड करोगे, आप मुझे बता दोगे कि कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, आप कंटेंट दे दिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, तो मैं उन चीजों को ग्रैब कर लेता हूं, तो बिल्कुल आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। लेकिन जो स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सर पर्सनल मेंटोरशिप की जरूरत है, कहीं ना कहीं मुझे उस तरीके से साइकोलॉजी भी डेवलप करना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम का प्रिपरेशन इससे पहले मैंने नहीं किया था, या IIT JEE के दौरान अगर मैंने प्रिपरेशन भी किया था, तो उस तरीके का साइकोलॉजी, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का साइकोलॉजी, वो डेवलप नहीं हो पाया, तो बिल्कुल आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो। एंड माय डियर फ्रेंड, जब आप ये प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे होंगे, तो आपको ये प्राइस नहीं दिखेगा। अभी जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, ये प्राइस नहीं दिखेगा आपको, आपको इससे ज्यादा दिखेगा।
सर अगर आप ये प्राइस बोल रहे हो तो इससे ज्यादा दिखेगा तो वो हमको मिलेगा कैसे? उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना रहेगा, DC3333। ये कोड का इस्तेमाल करोगे आप, देन डेफिनेटली आपको वो जो कोर्स है वो इस प्राइस में मिल जाएगा जो कि अभी आपको दिख रहा है बोर्ड पे। ठीक है, ये तो गेट 2025 वाले स्टूडेंट के लिए बात हो गई। अब गेट 2026 जो टारगेट कर रहा है, गेट 2025 कौन से स्टूडेंट टारगेट कर सकते हैं? जो अभी थर्ड ईयर में है वो टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों। और जो लास्ट ईयर में या पास आउट स्टूडेंट है वो टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को बता दूं कि गेट जो है वो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं, और अच्छा आप स्कोर कर लिए थर्ड ईयर में ही तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होने वाला है। ठीक, लेकिन जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में वो चाह रहे हैं कि सर 2025 तो ठीक है मैं दूंगा, लेकिन साथ के साथ मेरा जो फाइनल ईयर है वो गेट 2026 के लिए है, या जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में है वो गेट का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सो उनके लिए ये जो सब्सक्रिप्शन है 25 26, ये वो न्यू बैच जो है ये सब्सक्रिप्शन के लिए आप जा सकते हो। ठीक है ना, सो जो बच्चे 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं, गेट 2025 उनका फाइनल अटेम्प्ट है, तो वो प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करना चाहिए उनको। और जो आपका 2026 उनका फाइनल ईयर होने वाला है या फाइनल अटेम्प्ट होने वाला है तो उनको न्यू बैच ज्वाइन करना चाहिए। सारे बैचेस में आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड DC3333 इज माय कोड, DC3333 इज माय कोड माय डियर। ठीक, यस, वही जो चीजें मैंने बताया है, जैसे कि गेट 2025 8 मंथ का प्रिपरेशन आप 11,999 रुपए में कर सकते हैं, गेट 2025 8 मंथ का प्रिपरेशन 17,999 रुपए में कर सकते हैं। ये आइकॉनिक का रहेगा, आइकॉनिक में क्या क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है वो मैंने बता दिया, और प्लस में क्या क्या चीजें मिलने वाली है वो मैंने बता दिया। DC3333 इज माई कोड, ठीक है ना, इसका यूज करके बिल्कुल ये ऑफर अभी ग्रैब कर सकते हो। ये ऑफर 15 जून तक ही वैलिड है दोस्तों। ठीक है, लिस्ट ऑफ बुक्स जो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको दिया जाता है, 15 दिन में ये किताबें हार्ड कॉपी आपके होम डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से आपके हेल्प कर सकता है उसके बारे में मैंने बताया, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे क्या क्या चीजें आप ले सकते हो उसके बारे में मैंने बताया दोस्तों। अब देखिए, कुछ बच्चे ये चाह रहे होंगे कि सर आप थोड़ा सा गाइड कीजिए और हम बिल्कुल गेट फोड़ सकते हैं, हम सेल्फ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हैं। सो बिल्कुल दोस्तों, तब भी आपको ये प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री क्लासेस भी होती है, स्पेशल क्लासेस। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, ये तो आप जो देख रहे हो ये यूट्यूब पे देख रहे हो, और यूट्यूब में बिल्कुल मैं लगातार वीडियो लेकर आते रहूंगा। अभी जो वीडियो लेकर आया हूँ उसका एक पर्पस है, वो मैं थोड़ी देर में रिवील करूंगा, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए कि जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयरिंग है उनके लिए ऐसे वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और साथ के साथ आप, जैसे मैंने कहा कि अनअकैडमी का ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लो बेटा, क्योंकि आपके पास ना एक कंसाइज वे में कॉन्टेंट आने वाला है। अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट सेक्शन आप सेलेक्ट करोगे तो आपको वही वीडियोस दिखेंगे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी वीडियोस अवेलेबल हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा सब्जेक्ट हम वहां पे देते रहते हैं, क्वेश्चंस कराते रहते हैं, वो जरूर देखिए, उसको फॉलो कीजिए, वो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि कई सब्जेक्ट में आप कितना भी किताब फॉलो कर लो आपको उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलने वाला क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कि गेट के लिए रिक्वायरमेंट है, या काफी टाइम आपको देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, सो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आसान नहीं है कि आप सिर्फ किताब पढ़ के वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ कि गेट के क्वेश्चन क्रैक कर पाओ, मुश्किल काम है दोस्त। उसके लिए आपको डेफिनेटली क्या करना चाहिए, उसको आपको जो टीचर्स जितने भी एजुकेटर्स आपको दिख रहे हैं आपकी फ्रिक्वेंसी जिनसे मैच कर रही है उनके वीडियोस देखिए। जैसे जो बच्चे थ्योरी ऑफ मशीन का देखना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का देखना चाह रहे हैं, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का देखना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का देखना चाह रहे हैं, मुझे फॉलो कर लीजिए बिंदास, आपको सारी चीजें मिलने वाली है। और ये जो वीडियो लेक्चर मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये जो सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे रहने वाला है, ये पूरा यूट्यूब पे होगा। एक जो सीरीज चल रहा है वो स्पेशल क्लास में चल रहा है, प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, थ्योरी ऑफ मशीन पे चल रहा है। उसमें कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ लेक्चर्स और होंगे।
तो वो जरूर आप देखिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आप जुड़े रहिए। ये जो आपका अभी सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसमें मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बात करूंगा दोस्त। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए उसके बारे में पहले मैं बता देता हूं। देखो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डायरेक्ट वेटेज अगर मैं कहूं गेट एग्जाम में, तो 2 से 3% ही है। तो आपको लगेगा कि सर ज्यादा वेटेज तो है नहीं। सही बात है, ज्यादा वेटेज है नहीं, 2 से 3% ही है इसका वेटेज, डायरेक्ट वेटेज। बट माय डियर फ्रेंड, इनडायरेक्ट वेटेज मतलब अगर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लियर कर लेते हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको FM, इवन दो थर्मो में जो फोर्सेस वाले पार्ट हैं, जहाँ पे आप स्प्रिंग पिस्टन यहाँ पे बजट बात करते हैं आपका, चाहे मैं प्रोडक्शन साइड ही क्यों ना जाऊं, चाहे मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं, चाहे मैं थ्योरी ऑफ मशीन की बात करूं, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर इसके कॉन्सेप्ट आपके बड़े अच्छे हैं, तो वो सब्जेक्ट बहुत इजिली आपको समझ में आने वाला है। साथ के साथ जब क्वेश्चन आता है ना, नया क्वेश्चन देख के दिमाग चलने वाली बात जो है, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर आपका कमांड है, तो बिल्कुल वो होने वाला है आपके साथ। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम क्या क्या चीजें करने वाली हैं, किस तरीके की चीजें हम फॉलो करेंगे, उसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ। देखो दोस्तों, मैं जो आपको लेक्चर दूंगा वो रहेगा कि क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और उसी को आप कैरी करते हुए चलिएगा, ठीक है? कौन कौन से चैप्टर्स होने वाले हैं, क्या सिलेबस है, उसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूं। एक है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, एक है ट्रसेस, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी स्टैटिक डायनेमिक है ना, दो हिस्सा में रहने वाला है। ऑब्वियसली जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप पढ़ते हो उसमें दो हिस्सा रहता है, एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक, ठीक है ना। सो एक में आप मतलब जो पार्ट्स स्टैटिक्स हैं, जिसमें मोशन नहीं है, वहां पे हम स्टडी करते हैं, जस्ट फोर्सेस के रिलेशंस देखते हैं। दूसरा है जहाँ पे मोशन होता है, सो वहां पे किस तरीके की चीजें पॉसिबल है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, चाहे वो पार्टिकल्स हो या रिजिड बॉडी हो, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सो बिल्कुल फ्रिक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रोइड, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे बिल्कुल। काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसके अलावा इंपल्स मोमेंटम, इसके अलावा कोलिजन, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए, पार्टिकल का अलग होता है और काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स जो रहेगा रिजिड बॉडी का, वो अलग होगा। कितना अलग होगा और कहाँ पे सेम होगा, उसके बारे में बिल्कुल हम डिस्कशन करेंगे जब हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे तब, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा दो टॉपिक्स और मैं कहूंगा। एक है आपका लैग्रेंजियन, ये 2021 में ही ऐड हुआ है गेट के सिलेबस में। दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, एक्चुअली ये गेट के सिलेबस में एज सच ऐसा नहीं है, ना ही इससे क्वेश्चन आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखने को मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो सर ये करना क्यों है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो बच्चे ये लेक्चर्स देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पेपर नहीं दे रहे होंगे, वो एक्सई से भी पेपर देने का सोच रहे होंगे या देंगे।
सो एक्सई में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से क्वेश्चन आया हुआ है? बिल्कुल आया हुआ है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। सो ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स से मैं क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। हर एक दिन आपको लेक्चर्स देखने को मिलेगा, तो ये जो प्लेलिस्ट है ये सेव करके रख लीजिए, ये आपको काफी हेल्प होगा। कोई बच्चा चाह रहा होगा कि सर इसमें किताबें भी बता दीजिए, तो मैं कुछ किताबें बता देता हूँ। पहली किताब ना, जो आपने अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, जो भी किताब हो सकता है, आप भाविकट्टी साहब की किताब पढ़े होगे, SS भाविकट्टी, हो सकता है AK ताल पढ़े होगे, हो सकता है साधु सिंह पढ़े होगे। तो जो भी किताब आपने पढ़ा होगा वो किताब पहले फॉलो कर सकते, करना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां पे आसान होता है। फैमिलियर बुक से जब आप चीजों को करना शुरू करते हो तो काफी आसान हो जाती है। दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट हो सकता है, सर हम तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की किताब ही नहीं देखे हैं, लेकिन आप चाहते हैं किताब, सो आप बियर एंड जॉनसन की किताब फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा वो किताब ऐसा है कि टॉपिक वाइज ही जाना उसमें, बहुत मोटी किताब है, आपको साइकोलॉजिकली ऐसा लगेगा कि सर इतना सारा कैसे मैं पढ़ूंगा, तो उतना नहीं पढ़ना है उसमें। टॉपिक वाइज ही चीजों को, कॉन्सेप्ट को होल्ड करके उसके क्वेश्चंस करने हैं, या तो आपका हिबलर साहब की किताब आती है तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मुझे फॉलो करो, क्यों? क्योंकि ये सारी किताबों को, जो भी चीजें वहां से निकल सकती है वो चीजें निकाल कर ये सारी किताबें मैं रखाऊंगा, बिकॉज मेरा प्रोफेशन है ये। सो वहां से जो चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे एग्जाम को लेकर, वो सारी चीजें निकाल कर मैं रख रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, कंटिन्यूअसली उसमें काम कर रहा हूँ, और वो सारी चीजें मैं अपने लेक्चर्स में आपको देने वाला, ठीक है? सो लेक्चर किस तरीके का होने वाला है? पूरा क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर्स रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना? दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और वो लेक्चर जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार शो करते रहिए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द क्वेश्चंस। ना इस तरीके से होगा, ये टॉपिक वाइज आपके लेक्चर्स होने वाले हैं जिसमें हम क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।